नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया। देखो, कभी भी याद रखो, जब हमें करोड़पति बनना है तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए कि वो हमें करोड़पति बना सके। ऐसे जुगाड़ चाहिए जो हमें करोड़पति के राह पे लेके चल सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेस्ट से बेस्ट म्यूचुअल फंड को चुनना है। आज आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट ऊपर की तरफ गया है, अभी पिछले महीने नवंबर में नीचे की तरफ था तो लोग घबरा गए थे। सबको लगा कि म्यूचुअल फंड में जो मेरे पैसा लगा हुआ है, पोर्टफोलियो नीचे की तरफ आ गया। कभी भी दिमाग पे ये आपने जोर नहीं डालना कि मेरा पैसा डूब जाएगा, कभी भी नहीं डूबता म्यूचुअल फंड में। आज तक यूट्यूब पे मेरे को एक भी वीडियो दिखा दो जो ये कहते हैं कि मेरा पैसा डूब गया। कम जरूर हो सकता है, डूबता नहीं। क्यों नहीं डूबता? सबसे बड़ी कारण ये होती है कि हमने ना काफी सारी कंपनियों में पैसा लगाया होता है। एक कंपनी में लगाया, एक कंपनी बंद हो सकती है, खराब हो सकती है, उजड़ सकती है, पर जब हम 200 कंपनियों में पैसा लगाते हैं, 200 की 200 बंद नहीं होती। उसका कारण ये होता है कि जब मार्केट नीचे की तरफ होता है तो कुछ कंपनियां नीचे की तरफ चली जाती है। उससे हमारे पोर्टफोलियो में, मान लो हमने आज 1,000 रुपये लगाए और कल ही मार्केट गिर गया, तो वो पोर्टफोलियो में 800 रुपये दिखाएगा। कोई बात नहीं, 200 रुपये माइनस हो गया, क्या दिक्कत है। म्यूचुअल फंड में आप आए हो तो आपको कम से कम भी 8 से 10 साल का सेटअप माइंड में सेट करना है, तभी आप करोड़पति बन पाओगे। अदरवाइज आपको लगा कि 1 साल पैसा लगाया, निकाल लो, थोड़ा सा दिखा 500, 5,000, 10,000 प्रॉफिट निकालो। अरे भाई, नहीं करना कभी भी ऐसा। आपको रुका रहना है मार्केट के साथ में, धीरे धीरे धैर्य बना के। जब मार्केट, जब आपको पूरा आपका 1 करोड़ रुपया बन जाए, तब उससे SWP निकालना, फिर भी पूरा पैसा नहीं निकालना। ये मैं आज बता रहा हूं आपको। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पैसे का मजा लीजिए, ना कि पैसे की सजा भुगतिए। क्यों? क्योंकि हम 8 से 10 घंटे की ड्यूटी करते हैं, उसमें हमें दिहाड़ी मिलती है 10,000, 15,000, 20,000। क्या 1 लाख रुपए इनकम हमारी 10 साल बाद हो जाएगी या 15 साल बाद हो जाएगी? अगर हम म्यूचुअल फंड में शिद्दत से पैसा लगाएंगे तो 15 साल के बाद भी आपके पास में 1 करोड़ रुपया आ जाएगा। अब आप सोचोगे कि यार 15 साल कौन इंतजार करे, तो मेरे को कोई ऐसा जुगाड़ बताओ जो 15 साल म्यूचुअल फंड ना करके कोई ऐसा हो जिसमें 1 करोड़ रुपया बन जाए। नहीं बनेगा। तो आज आपको बताऊंगा स्मॉल कैप के बारे में, जो हर वीडियो में बताता हूं, हमेशा स्मॉल कैप ही लेके आता हूं, क्योंकि मेरे को स्मॉल कैप सबसे बेस्ट लगते हैं। क्योंकि स्मॉल कैप क्या होता है, छोटी छोटी कंपनियां होती है, बाद में कंपनियां बड़ी बनेंगी तो पैसा भी हमारा बड़ा बनेगा। आज हम बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड, बहुत ही बढ़िया, 101% आपको करोड़पति बनाएगा ये फंड। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 12 नवंबर 2018 को स्टार्ट हुआ था, 18 24 6 साल हो गए इसको, फंड को। अब इस फंड की खासियत बताता हूं आपको। NAV 47 रुपीज है आज भी इसकी, 6 साल में। रेटिंग देखो इसको, 5 स्टार बना, 5 स्टार मिली हुई है। आप काफी सारे म्यूचुअल फंड ढूंढोगे, बड़ी मुश्किल से कोई एक दो म्यूचुअल फंड मिलेगा जिसकी 5 स्टार है, वरना 3 स्टार और 4 स्टार तक ही रहती है रेटिंग। 5 स्टार बहुत मुश्किल से मिलते हैं। क्यों मिली इसको? क्योंकि 6 साल में लोगों ने इसमें लगाए 9,319 करोड़ रुपये, 9,000 करोड़ रुपये सिर्फ टाटा स्मॉल कैप फंड में, सिंगल फंड में लगाए हुए हैं। बाकी के टाटा के मिड कैप हैं, लार्ज कैप हैं, उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा, एक स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ जिसमें 9,319 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं ओनली सिंगल फंड में। 53 कंपनियां, ये 53 कंपनियां ही आपको अमीर बनाएंगी। ये दिमाग में आप नोट कर लो, गूगल पे जाके सर्च करो कि टाटा स्मॉल कैप फंड के होल्डिंग 53 है, वो कौन कौन सी कंपनियां, डिटेल निकल के आएगी। एक एक को सर्च कीजिए, आपको यकीन हो जाएगा 101% कि आप करोड़पति बनोगे। केवल 500 रुपये में बता रहा हूँ, कुछ ज्यादा बड़ी रकम नहीं मांग रहा आज आपसे। एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.34, एक्जिट लोड की बात करें 1%। अगर आप 12 महीने तक पैसे रखते हो इसमें और उसके बाद पैसा निकलवाते हो तो चार्ज कटेगा, अदरवाइज चार्ज नहीं कटेगा, 1 साल मान के चलिए। एम की बात कर लेते हैं, 1,60,868 करोड़ रुपए इसका एयूएम है, सबसे ज्यादा एयूएम एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई म्यूचुअल फंड का है, पर टाटा का भी कम नहीं है, 1 लाख करोड़ है।
कभी भी याद रखना किसी भी म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगा रखा है, एयू में 1 लाख करोड़ होना चाहिए और फंड साइज 5,000 करोड़ होना चाहिए। टेंशन फ्री होकर आराम से सो आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फंड में जब इतना पैसा आ जाता है तो मैनेजमेंट काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आर रिटर्न की बात करें 29, 5 ईयर की बात करें 34, 3 ईयर की बात करें 28, इनका 20 का निकाल के चलते हैं, 25% रिटर्न मान लेते हैं 25 साल के लिए। 500 रुपये अगर हम लगाते हैं तो केवल टोटल आपने सिर्फ 1.5 लाख रुपए दिया सर आपने यहाँ पे। आप ये देखो कि आपने पैसा कितना डाला, 1.5 लाख रुपया 500 करके 25 साल तक लगा दिया, उसके बाद बन गया आपके 1,18,70,471 रुपए। जिंदगी आराम से गुजरेगी अगर आपने अभी भी जॉब स्टार्ट की। 500 रुपये इसलिए बता रहा हूं कि गरीब से गरीब आदमी भी इसमें अमीर बन सकता है, केवल कोई ज्यादा मेथड नहीं लगाना, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई मैनेजमेंट नहीं के पास जाना, ना किसी के पास पूछने की जरूरत है। टाटा स्मॉल का फंड लेना है, उसके बाद पैसे लगाने हैं, उसके बाद आराम से जो आप नौकरी कर रहे हो करते रहिए और धीरे 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 पैसा इतना बच जाएगा कि एक दिन आप इस लायक हो जाओगे कि 1 लाख रुपया मंथली ले लो यहाँ से आप। बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड है ये, आपको 101% करोड़पति बनाएगा। म्यूचुअल फंड सही है पर मार्केट रिस्क के साथ में। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।